हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमने इसके पहले दो पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं जिसमें हमने बता दिया था कि किस तरीके से मनी हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, किस तरीके से हमने दिखाया था कि बैंक जो है वो लोन देते भी हैं और हमारी मनी जो है हम वहाँ डिपॉजिट भी करते हैं, क्या रिलेशन है हमारे डिपॉजिट करने में और उनके लोन देने में। ठीक है, ये सब हम चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं। हमने कुछ स्टोरीज भी पढ़ी जिसमें कि हमने देखा कि लोन कभी अच्छा भी होता है, लोन कभी इंसान को बहुत बुरे तरीके से फंसा भी देता है। अब आ जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। हमने देखा जो हमने पीछे सेक्शंस पढ़ लिए थे उसमें हमने देखा कि जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आज भी स्टिल डिपेंडेंट हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स पे। इनफॉर्मल सेक्टर्स यानी कि आपके जो साहूकार वगैरह हैं, गांव के जमींदार हैं, व्यापारी हैं, जो भी अमीर लोग हैं आपको गांव में, जो भी आपको उधार देते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। फॉर्मल सेक्टर यानी कि हमारा जो बैंक वगैरह होता है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर बिकॉज इसका मेन रीजन क्या है कि भाई जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पे रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज जो बैंक्स हैं ना वो रूरल इंडिया में, मतलब गांव-गांव में अभी इतना अवेलेबल नहीं है। अब हर जगह तो नहीं अवेलेबल है, कम से कम इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, राइट। अगर बैंक है भी गांव-गांव में तो भी क्या होता है कि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि गांव में, मतलब लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा, कि बैंक से लोन लेना मोर टिपिकल है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा है बिकॉज वहाँ पे देखो आपको अपनी कागज़ वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, कोई ना कोई चीज़ गिरवी भी जनरली रखनी पड़ती है। और अगर ये सब भी नहीं है तो वो लोग किस चीज़ से डर जाते हैं कि भाई पढ़े लिखे नहीं होते तो वो लोगों को ना वो सब चीज़ें बहुत ही टिपिकल सी लगती हैं कि हाँ कौन जाएगा, कौन मतलब बात करेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन देखेगा, कौन सिग्नेचर करेगा, ना ना वो तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। थोड़े प्रोसेस भी होते हैं, वाकई में प्रोसेस तो होते हैं, लेकिन इसका उल्टा अगर देखो गांव के साहूकार के पास जाओ, रो दो, हाथ जोड़ो और लोग पैसा उधार देते थे। क्यों दे देते हैं, क्योंकि आप रो दो रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है उसमें। ठीक है, एज वी सॉ फॉर मेगा, जैसे हमने मेगा के केस में देखा था, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल। अब देखो बैंक जो होता है हर आदमी से लोन क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि बैंक को चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो जनरली गांव के लोगों के पास नहीं होते हैं पूरे। दूसरा कोलेट्रल चाहिए होता है, गांव वाले बेचारे इतने गरीब होते हैं उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए जनरली नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। आप कोलेट्रल ना होना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स, जो रोकता है यू नो पुअर लोगों को बैंक लोन लेने से। इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोअर्स पर्सनली, वो जानते होते हैं गांव के जो काकी हैं या जो गांव के काका हैं कहाँ जाएंगे ये गांव से, ठीक है, तो वो उन्हें आसानी से पैसे दे देते हैं और विदाउट कोलेट्रल भी दे देते हैं, राइट। उन्हें कोलेट्रल ज्यादा गिरवी कई बार नहीं भी रखना पड़ता, तो बोरोअर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लैंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। अब बैंक तो ऐसे आपको पैसा नहीं देगा अगर आपने उसका पहला लोन नहीं चुकाया, लेकिन जो ये होते हैं ना मनी लेंडर वगैरह होते हैं, कहते हैं ठीक है, काकी रोते रोते पहुंची कि भैया और दे दो, अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ बाकी है, बैल मर गया, ये हो गया, वो गया। तो ये लोग जो है जानते हैं कि भैया ये गाँव से तो कहीं जाने वाले नहीं है और मैं इनसे ज़्यादा कैसे ना कैसे वसूल कर ही लूंगा, तो इनको और भी पैसे दोबारा से भी लोन में ये दे देते हैं। हाउ एवर फिर भी द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जानने के लिए, जो मनी लेंडर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वसूल करते हैं, जिससे कि क्या होता है ये बेचारे जो कर्ज है उसमें मतलब जाते जाते कीप नो रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन एंड यू नो हैरेस करते हैं पुअर बोरोअर्स को। क्या होता है ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, रिकॉर्ड विकॉर्ड तो ज़्यादा रखते नहीं, और कोई जो कच्चा पक्का रिकॉर्ड उनका होता भी होगा उस पर ये ऐसे ही साइन ले लेते हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, और उसके बाद जो आदमी इनसे उधार लेता है सोचो बहुत ही परेशान हो जाता है वो, है ना। इन रिसेंट ईयर्स अगर हम बात करते हैं पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यू वेज। अब लोगों ने क्या किया कि कुछ नए तरीके जो है उसको ट्राई किया, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर, लोगों को ना नए नए तरीके से लोन देना शुरू किया गया। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वीमेन विद स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, छोटे छोटे अपने ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए और जहाँ पुअर क्या करते हैं अपनी कलेक्ट कर लेते हैं अपनी सेविंग्स को। ठीक है, 5, 7, 10, 20, 50, ठीक है, जो लेडीज जो हैं वो इकट्ठी हो रही है। ठीक है, डिपेंड करता है भी आपका कितना बड़ा आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है। आपने क्या किया, चलो यहाँ 15 से 20 दे रखा है। टिपिकली हम कह रहे हैं SH जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है SHG, 15-20 लेडीज होती हैं गांव की। 15-20 लेडीज क्या करती हैं, उनकी जो जो सेविंग्स होती हैं ना रोज की, वो थोड़ा उसके अंदर रखती जाती हैं। यूजुअली वो ना
बिलोंग टू वन नेबरिंग हुड, ये सब आसपास की ही होती हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, उससे अपनी रेगुलरली सेविंग्स करती रहती हैं। सेविंग पर मंथ वेरीज फ्रॉम 25 रुपये से लेकर 100 रुपये, बेचार रुपये ज़्यादा तो पैसे नहीं होते, वो कहते हैं 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में यूजुअली ये पर डे उसमें सेव करती रहती है, क्योंकि ना वेजेस पे काम करती होती हैं, कई जगह मजदूर होते हैं, है ना, खेतों पे काम करने वाले ये लोग, तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें रोज डालते जाते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। आप जो भी इसके मेंबर होते हैं ना, जो 15-20 लेडीज जो इसकी मेंबर हैं, जिस भी लेडी को इनमें ज़रूरत होती है ना, क्योंकि सब गाँव की एक दूसरे को जानती होती है, तो उसको लोन इस पैसे से मिल जाता है। मान लीजिए सब लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए कुछ, तो जिसको भी जरूरत होगी उसको थोड़ा बहुत लोन इसमें से मिल जाता है, लेकिन लोन ऐसे नहीं मिलता है, इस पे भी आपको कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तभी तो ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है थोड़ा सा ग्रो कर पाएगा ना। तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। द ग्रुप चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। मनी लेंडर तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा था, पर ये ग्रुप उतना चार्ज नहीं करता, उससे कम ही चार्ज करता है। आफ्टर अ ईयर और टू, एक या दो साल बाद, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि जो ग्रुप है रेगुलरली कुछ सेव कर पा रहा है, सेविंग्स हो रही हैं, सही से चल रहा है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक इन इज सेंशनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। फॉर इंस्टेंस, चलो इतने पहले पढ़ लेते हैं। देखो, अगर ये ग्रुप कुछ पैसे सेव कर पा रहा है, सही से चल रहा है, तो एलिजिबल हो गया ये इस पैसे के को दिखा के कि हम लगातार इस तरह से सेविंग कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा ग्रुप चल रहा है, बैंक से कोई बड़ा लोन भी सेंक्शन करवा लिया जाता है, यानी बैंक के लिए सेंक्शन कर देगा कि ठीक है आप लोगों के बेटरमेंट के लिए बैंक जो है इस तरह की लेडीज को फिर जो है लोन में उनका सेंक्शन कर देता है, लेकिन पूरे ग्रुप के नाम पर होता है। ग्रुप के नाम पर बैंक इसीलिए करता है क्योंकि देखो एक बंदा तो शायद ना पे कर पाए, लेकिन पूरा ग्रुप मिलकर पे कर ही लेता है। ठीक है, लोन इज सेंशन इन द नेम ऑफ अ ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब बैंक क्यों ऐसा कर रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, बैंक मीन सरकार, वो ऐसा इसीलिए कर रही है कि जिससे कि हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटीज मिले अपने आप को ग्रो करने की, है ना, अपना एम्प्लॉयमेंट खुद खड़ा करने की। कोई छोटी मोटी पापड़ का काम कर लेती हैं, चिप्स बना लेती हैं, घर में स्वेटर बुनने का काम कर लेती हैं, कुछ भी जहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे से ये काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड। अच्छा देखो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा ये लोन पे उठा सकती हैं अगर इनकी लैंड जो है वो क्या है गिरवी रखी हुई है, और क्या कर सकती हैं, फॉर मीटिंग यू नो वर्किंग कैपिटल नीड्स, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको खेतों के लिए सीड्स चाहिए, आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, बैम्बू क्लोथ ऐसा कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोन उठा सकते हो। फॉर हाउसिंग मटेरियल, फॉर यू नो उसके लिए भी लोन उठा सकते हो। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्विंग, आपने स्विंग मशीन होती है ना वो जो सिलाई करते हैं कपड़ों की, उसके लिए, हैंडलूम्स के लिए, कैटल के लिए भी, कि भैया बैल मर गए बैल को खरीदना है, तो लोन बैंक दे देता है। ठीक है, पर ग्रुप के नाम पर देता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। अब देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, है ना, लोन एक्टिविटीज के या सेविंग्स के, ये सब कौन डिसाइड करता है, ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, साले आपस में लोग तो डिसाइड कर लेते हैं, है ना, एज रिगार्ड्स द लोन टू बी गारंटेड, द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन्स टू बी गारंटेड, द पर्पस क्या है, अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, रीपेमेंट कैसे शेड्यूल करनी है, सब लोग ग्रुप के मेंबर बैठते हैं और ये सब चीजें डिसाइड हो जाती हैं। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन, है ना, रीपेमेंट के लिए ग्रुप ही पूरा का पूरा जिम्मेदार होता है कि जो लोन का पैसा उठाया गया है वो पूरा का पूरा चुका दिया जाए। एनी केस यू नो ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड यू नो फॉलोड अप सीरियसली, है ना, ऐसा कि मान लीजिए ग्रुप का कोई मेंबर लोन नहीं उतार पा रहा है, उसको काफी सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं तो फिर तो पूरी संस्था ही फेल हो जाएगी अगर ऐसा ना हो तो। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लैंड द पुअर वीमेन विद ऑर्गेनाइज्ड इन SHGs, even though they have no collateral as such. देखो SHGs अगर अच्छे से पीछे से काम कर रहे होते हैं, अच्छे से चल रहे होते हैं, तो बैंक भी विलिंग होता है कि भाई लेडीज को दिया जाए पैसे, और है ना उधार दे सकता है बैंक उन्हें, लोन दे सकता है उन्हें बिना किसी कोलेट्रल के। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि पीछे से चीजें सही चली आ रही हैं, तो हम दे सकते हैं। दस द एस एच जीज हेल्प बोरोअर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। तो ये जो एस एच जी जो ग्रुप है ये हेल्प करता है उधार में
हंसे हुए आदमी को बिना किसी कोलेट्रल के बाहर निकालने के लिए या फिर उधार में फंसने से उसे रोक लेता है जिसपे कोलेट्रल नहीं होती। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, लोगों को वैरायटी ऑफ यू नो लोन्स मिल जाते हैं बहुत अलग अलग पर्पस के लिए भी एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। गाँव के साहूकार बहुत लूटता था, बैंक नहीं लूटता है उतना क्या, बैंक थोड़ी ना लूटता, आप थोड़ा बहुत तो ले गई देगा। मोर ओवर एसएचजीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, है ना, एक बहुत अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जिससे सब कुछ सही से चल पाए। नॉट ओनली डज इट हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिकली इनको हेल्प कर रहा होता है, बल्कि जब क्या होता है जब लेडीज आपस में बैठती हैं डिस्कस करती हैं दी एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज पे भी, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, चलो बताते हैं, फिर वो लोग सब बैठ के एक दूसरे को सॉल्यूशन बताते हैं, अच्छा तुम्हारा बच्चा बीमार है ऐसे कर लो, अच्छा तुम्हारी तुमको ये बीमारी हुई है मेरे को भी हुई थी, चलो ऐसे ऐसे मैंने किया था मैं ठीक हो गई थी, मतलब एक तरीके से सोशल ग्रुप भी हो जाते हैं ये। फिर हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर, डोमेस्टिक वायलेंस, कई प्रकारों में बहुत ज़्यादा लेडीज़ के साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है तो उसके बारे में भी ये लोग आपस में बातें करते हैं और किसी तरीके से सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी करते हैं। अब आता है लास्ट हमारा पेज, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इसका जिक्र किया गया है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो सक्सेस स्टोरीज में से है इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स, है ना, गरीब लोगों की सहायता के लिए बनाया गया था और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। स्टार्टेड इन 1970s में एक एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह इसको शुरू किया गया था ग्रामीण बैंक को इन 2018 में एंड हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स हैं इसके इन अबाउट 81,600 विलेजेस में ये फैला हुआ है अक्रॉस बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, सारा का सारा डाटा है इसमें से याद कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोअर्स आर वीमेन, ज़्यादातर जितने भी उधार लेने वाले हैं इसमें से औरतें हैं एंड बिलोंग करते हैं पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ऑब्वियसली है ना, गरीब लोगों के लिए बनाया गया था, पोरेस्ट सेक्शन के लिए बनाया गया था। दीज बोरोअर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली द पुअर वीमेन रिलायबल होती हैं, रिलायबल बोरोअर्स होती हैं, बट ऑल्सो दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब देखो अब ये जो बना था ना इसमें क्या होता था, गरीब औरतों को अच्छे से उधार वगैरह आसानी से मिल जाता है और इस ग्रुप में ये मतलब बात ये एक तरीके से कह सकते हैं इस तरह के बैंक जो हैं वो ये भी प्रूव कर रहे हैं कि भाई गरीब महिलाएं जो हैं भरोसेमंद कर्जदार होती हैं, लोग ऐसा भरोसा नहीं करते ना, औरत है क्या कर्जा उतारेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बैंक जो है बांग्लादेश का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो औरतों को इस तरह की हेल्प किसनी है, हेल्प की है 81,600 विलेजेस में, अगर ये फैला हुआ है 9 मिलियन इसके मेंबर है तो आप जान सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस इसकी रही होगी। ये भी बताता है कि औरतें वाकई में इस काबिल हैं कि उनके कर्ज दिया जा सके, साथ ही वो इस काबिल भी हैं कि वो छोटी छोटी एक्टिविटीज से करके और वो इनकम भी जनरेट कर सकती हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आपको एक साइड में छोटा सा पैराग्राफ दिया, इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, अगर उधार दिया जाए गरीब लोगों को कुछ शर्तों पर, कुछ कंडीशंस पर दैट आर एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल पर्सुएट्स कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट फंड। बहुत बढ़िया बात कही गई है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा था, अगर गरीब लोगों को ना सही और उचित शर्तों पर, है ना, उचित टर्म्स पर अगर, है ना, पैसा दे दिया जाए, लोन दे दिया जाए तो लाखों छोटे लोग जो होते हैं, जो लाखों गरीब लोग हैं, लाखों छोटी छोटी गतिविधियां करके, छोटी छोटी एक्टिविटीज करके भारत का जो विकास है, देश का जो विकास है उसमें सबसे बड़ा चमत्कार वो कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम ही लोगों से तो भारत है ना, भारत क्या है, भारत भारत के लोग हैं, अगर लोग डेवलप करेंगे तो भारत डेवलप करेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं और यहाँ पे बात चल रही है सब देशों की, तो जिस देश के भी लोगों की आप बात करते हो अगर उस देश के लोग प्रोग्रेस करेंगे तो वो देश प्रोग्रेस करेगा ऑटोमेटिकली। अब आ जाइए बस लास्ट में सारांश देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, हमने इस चैप्टर में देखा कि भाई कि हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखा कि जो हमारा नोट है, जो हमारे कॉइन्स हैं, किस तरह से हम चेक यूज करने लगे हैं, कितना मनी ट्रांसफर होने लगा है, लोन लेने लगे हैं और क्या देखा हमने, हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम और किस तरीके से जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किस तरह से बैंकिंग सिस्टम से लिंक है। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर्स होते हैं हु कीप देयर मनी इन द बैंक्स, जो कि मनी को बैंक में रखते हैं डिपॉजिट करने वाले, एंड ऑन अदर साइड आर बोरोअर्स, और दूसरी तरफ कौन होते हैं, बोरोअर्स होते हैं, उधार लेने वाले होते हैं, हु टेक लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स, जो कि इन बैंकों से लोन लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर करती हैं लोन्स और क्रेडिट को, है ना, इसी से चलती है सारी एक्टिविटीज। आप आ जाइए क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्रेडिट का उधार का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, एज वी कैन एज वी सॉ
कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और सर्टेन सिचुएशंस में वो बोल रहे हैं कि बोरोअर्स वर्स ऑफ भी हो सकता है ना। हमने दो केसेस देखे थे जिसमें जो जूते बनाने वाला था उसकी तो बहुत मजे आ गए थे, लेकिन जो सपना थी कर्ज में बहुत ज़्यादा ही दब गई थी। और तो मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको अच्छा भी कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपके साथ नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर द वैरायटी ऑफ सोर्सेज। क्रेडिट जो होता है वैरायटी ऑफ सोर्सेज से मिल जाता है। देयर कैन बी ईदर फॉर्मल सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बैंक वगैरह, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, और फिर इनफॉर्मल भी हो सकता है सोर्सेज। ठीक है, दोनों तरह की हो सकती हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर सस्टेनेबिलिटी बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंडर्स। एट प्रेजेंट इट इज रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव्स क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। अगर हम बात करें आजकल की, तो ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से ही क्रेडिट लेते हैं, यानी बैंक वगैरह वही लोग जाते हैं, उनको ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। हु रिसीव्स क्रेडिट फ्रॉम दीज फॉर्मल सोर्सेज, वेयर इज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। गरीब आदमी आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इट इज़ असेंशियल, ये ज़रूरी है दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज हो। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट देने का सिस्टम अच्छा हो, इंक्रीज हो, सो दैट जो डिपेंडेंस है मोर एक्सपेंसेस इन फॉर्मल क्रेडिट की बिकम्स लेस, राइट। साहूकार के पास लोग जाना ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, अगर गांव गांव में बैंक आ जाएंगे, बैंक में इस तरह की पॉलिसीज होंगी जिससे आसानी से क्रेडिट दिया जा सके, लोगों को लोन मिल सके। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होनी जरूरी होती है उन लोगों के लिए। ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक्स। ना गरीब लोगों को थोड़ा शेयर ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ज़्यादा उनको लोन मिलना चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह ये बढ़नी चाहिए। बोथ दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, और ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ फिनिश हो जाता है हमारे ये चैप्टर। चैप्टर बहुत आसान था, ठीक है, और अगर हम देखें आपके SST के हिसाब से तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ कंटेंट नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लस वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।